इस वीडियो में मैं आपको एक PHP फाइल बनाकर दिखाऊंगा जिसे हम डेटाबेस से डेटा निकाल सकें। तो ये हमारा लॉगिन किया हुआ स्क्रीन है। होस्टिंग टूल्स में आके फाइल मैनेजर में आ जाइए और इसमें इस लर्निंग फोल्डर के अंदर आ जाइए और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने बना रखी है तो लोड भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। अब ये पूछ रहा है डायरेक्टरी या फाइल, तो हम फाइल सेलेक्ट करके फाइल का नाम रख देते हैं सो डेटा डॉट PHP। ये एक टेक्स्ट फाइल की तरह ही होती है, खाली एक्सटेंशन PHP होता है। क्रिएट कर देंगे तो देखिए ये यहाँ पर ऐड हो गई। इसको सेलेक्ट करके इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड में चली गई। अब आप यहाँ पर कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप PHP का स्ट्रक्चर दे सकते हैं, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। अब यहाँ पर आप एक वेरिएबल दीजिए डॉलर कोई भी नाम, जैसे कनेक्ट इक्वल टू माई SQLI कनेक्ट, यहाँ पर अंडरस्कोर होगा SQLI के बाद और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पर आपको चार वैल्यू पास करनी है, तो पहले चार कोड दे देते हैं, एक कोड, दो कोड, तीन कोड और चार कोड और लास्ट में सेमी कॉलन। अब पहले में आपको देना है सर्वर का नाम, तो इसके लिए आप ये एक जगह और खोल लीजिए। इसको इसके लिए होस्ट में जाके MySQL यहाँ क्लिक कर दीजिए और जाके डाटाबेस में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो नाम है ये होस्ट नेम है, इसको कॉपी करके रख लीजिए और बैक में करेंगे। एक्चुअल में कंट्रोल करके करना चाहिए था। इसको डबल क्लिक करके खोलिए, इसको खोलिए और फिर से स्ट्रक्चर लिख देता हूँ मैं। डॉलर कनेक्ट स्केल टू माई SQLI को एक जगह खोलने के लिए कंट्रोल दबा के रखिए और फिर इसको क्लिक कर दीजिए, तो इससे ये एक जगह और खुल जाएगा। और डेटाबेस पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपका सर्वर नेम है और जो ये है ये आपका डेटाबेस नेम भी यही है और यूज़र नेम भी यही है। इसको कॉपी कर लीजिए, इसमें आपका ये आपका यूज़र नेम, पासवर्ड हमने दिया था फ्री वेबसाइट 123 और डाटाबेस का नाम भी यही है। लोकल होस्ट में आप चलाते हैं तो आपका यूज़र नेम जो होता है वो रूट होता है, ROOT रूट। और यहाँ पर आप होस्ट का नाम कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर आके इसको कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट किया जाए। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये जो है इसको कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं, ये आपका हो गया है। इसको सेव कर लीजिए। क्वेरी मैंने टाइप कर दी है डॉलर SQL इक्वल टू सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम और MySQL क्वेरी कनेक्शन के साथ, यहाँ पर CONN है तो ये कनेक्शन यहाँ पर वही होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। SQL ये इधर वाला होगा और डाई क्वेरी फील्ड रिजल्ट में आके सारे रोज एंड कॉलम स्टोर हो जाएंगे। अब ये लाइन
ये जो फंक्शन है माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर नम नंबर ऑफ रोज़, और रिजल्ट यानी जिसमें सारे रोज़ और कॉलम स्टोर है ये नम में स्टोर कर देगा नंबर ऑफ रोज़, और ये डिस्प्ले कर देगा। अब आप इसको सेव करके इसको यहाँ पर रन करके देखिए, इस फाइल का नाम हमने क्या रखा था, सो डेटा डॉट पी एच पी। इस नाम को कॉपी कर लेते हैं और इस नाम के आगे स्लैश लगा के इसके आगे देंगे, तो देखिए टोटल रिकॉर्ड इक्वल टू 5। तो हमारा डेटाबेस एक्सेस हो गया है। तो कोड में आइए, तो देखिए इतना कोड लिखने से आपका एक्सेस हो जाता है। अब आप पेजेस बैक करके देखिए, फर्स्ट पेज टू पेज है। अब आप पेजेस डालिए HTML के PHP के, लिंक कराइए, और आपका डोमेन नेम आप दे चुके हैं www.learning.me.ht, और आपके पेजेस ऐसे करके रन होंगे। अगर आपको PHP और डेटाबेस का डिटेल में सीखना है तो मेरे पुराने वीडियोस हैं उनको देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ कनेक्शन सिखाया जा रहा है। अगले वीडियो में मैं आपको SQL का, ये जो SQL का था इसमें आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑपरेशन इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, और उसके बाद आपको फाइनल स्टैटिक्स कितने हैं इसके, क्या क्या कितना डेटा यूज़ हुआ है, और सब डोमेन कैसे बनते हैं वो दिखाऊंगा। धन्यवाद।